हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोल मंत्रा। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फाइनाइट फूरियर ट्रांसफॉर्म के बारे में। फाइनाइट फूरियर ट्रांसफॉर्म्स का मतलब क्या है, यहाँ जो हमारी लिमिट है वो क्या है, फिक्स रहेगी कि लिमिट हमारी जो है, पहले हम क्या करते थे, इसके पहले जो फूरियर हमारा प्रॉब्लम था वो इनफाइनाइट तक हमारा जो लिमिट जाता था, पर हमारा यहाँ जो लिमिट रहेगा वो एक फाइनाइट रहेगा, एक निश्चित टर्म के अकॉर्डिंग रहेगा। तो हम देखते हैं इसमें हमारे दोस्तों दो फॉर्मूले आते हैं, एक साइन के लिए आता है, एक कोसाइन के लिए आता है। अगर हम देखें, हम बात करते हैं पहले फाइनाइट फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म की। साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स, मैंने मान लिया जो हमारा यहां लिमिट है वो है क्या, जीरो लेस देन एक्स एंड लेस देन एल। तो हमारा जो साइन का फॉर्मूला बनेगा वो एस के लिए साइन मैंने इंडिकेट किया एफ एंड जीरो टू एल, लिमिट क्या है, जीरो टू एल है जैसा हमारा कंडीशन दिया हुआ है, और हमारा हो गया एफ ऑफ एक्स एंड साइन पी पाई एक्स एंड एल, ये हो गया डीएक्स। सपोज दैट अगर हमारा यहां दिया गिवन पाई है, अगर हमारा लिमिट क्या है, जीरो टू पाई एग्जिट कर रहा है, तो हमारा जो साइन का फॉर्मूला बनेगा वो क्या हो जाएगा, जीरो टू इन्फिनिटिव, अरे सॉरी जीरो टू पाई, पाई के लिए मैं बात कर रहा हूं अभी। अगर हम यहां पाई रख देंगे तो पाई से पाई कैंसिल आउट, क्या हो जाएगा, पी एक्स हो जाएगा और ये डी एक्स हो जाएगा। तो हम यहां जनरल जो फॉर्मूला लिख सकते हैं पाई के लिए, एफ एक्स एंड साइन पी एक्स एंड डी एक्स, ये हमारा हो गया साइन के लिए। दोस्तों अब मैं बात करता हूं ये हमारा किसके लिए था, साइन ट्रांसफॉर्म के लिए। अब हम बात करते हैं कोसाइन के लिए कि हमारा कोसाइन ट्रांसफॉर्म क्या होगा। सेम कंडीशन, एफ ऑफ एक्स हमारा क्या है, जीरो लेस देन एक्स एंड लेस देन एल, तो क्या होगा, सेम एडिस रहेगा, मैंने मान लिया कॉस के लिए हमारा क्या है, कोसाइन के लिए जीरो टू एल रहेगा, एफ ऑफ एक्स हो गया ये हमारा, और ये हो गया कॉस पी पाई एक्स एंड एल एंड डी एक्स। ये हमारा कोई नंबर, हमारा एल हमारा क्या नंबर है, सपोज से मान लिया जीरो दिया है, जीरो टू एक्स एंड फोर दिया है, कुछ भी हमारा फंक्शन है गिवन होगा। अगर नहीं दिया तो, अगर फाइनाइट बोल रहा है तो हमें जीरो टू पाई कंसीडर करना है, मैं न्यूमेरिकल में भी ये चीज डिस्कस करूंगा। अब देखो दोस्तों, अगर मैंने मान लिया यहां मैंने पाई कंसीडर किया, पाई के लिए सेम एड्रेस क्या होगा, जीरो टू पाई एफ एक्स एंड कॉस, एल की जगह मैंने पाई रखा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो रही है, कॉस पी एक्स एंड डी एक्स, ये हमारा हो गया साइन के लिए और कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। अब मैं बात करता हूं उसमें इनवर्स का कि जो हमारा इनवर्स फाइनाइट फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा। मैं बात करता हूं इनवर्स की, इनवर्स फाइनाइट फूरियर ट्रांसफॉर्म ये क्या होगा। ओके, पहले मैं बात करता हूं जो हमारी लिमिट है वो क्या है, पाई है। मैंने मान लिया कि जो हमारा व्हेन अपर लिमिट इस पाई, मैंने अभी पाई के लिए कंसीडर किया। अगर हम पाई के लिए साइन का फॉर्मूला देखें, ओनली पाई की बात कर रहा हूं दोस्तों मैं, साइन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा सिर्फ साइन के लिए, तो क्या मैंने मान लिया एफ ऑफ एक्स हो गया, ये क्या होगा जीरो टू, अरे जीरो टू अपान पाई, जीरो सॉरी टू अपान पाई इनवर्स का। अगर बेसिक वीडियो आपने देखा है इसके पहले भी तो ऑलरेडी पता होगा कि इनवर्स के फॉर्मूला में क्या आता है, ये क्या हो गया टू अपान पाई, ये क्या होगा समेशन होगा पी वन टू इन्फिनिटी, और ये हमारा हो गया एफ एस साइन के लिए पी एंड साइन पी एक्स, ये हमारा किसके लिए, वेन अपर लिमिट इज पाई है। ओके, ये हो गया साइन के लिए। अगर मैं बात करूं कोसाइन के लिए, किसके लिए दोस्तों, कोसाइन के लिए कि हमारा कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, वेन वो भी इनवर्स के लिए, तो जो हमारा इनवर्स के लिए होगा वो क्या हो जाएगा वन अपान पाई, और हमारा यहां क्या होता है एफ सी हमारा जीरो हो जाएगा, यहां ऑलरेडी जीरो हो जाता है, क्यों, क्योंकि साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, इसलिए मैंने यहां कंसीडर नहीं किया, ये हो गया वन अपान पाई एफ सी जीरो, जब न्यूमेरिकल आएगा तो ये एफ जीरो हमें पुट करना है। ओके, ये हो कितना हो जाएगा टू अपान पाई समेशन पी वन टू इन्फिनिटिव, ये हो गया एफ सी पी एंड कॉस
पी एक्स। ये क्या दोस्तों, जनरल फॉर्मूले है इसके। ये तो बात कर लिया मैं अपर लिमिट इज पाई। सपोज दैट इसी तरह जैसे मैंने पाई के लिए बात किया, जो हमारी अपर लिमिट क्या हो, व्हेन अपर लिमिट इज एल, एल मतलब कोई नंबर भी हो सकता है हमारा, एल होगा तो क्या होगा, सेम कुछ नहीं दोस्तों, क्या चेंज हो जाएगा हमारा, ये 2 अपॉन पाई एडिस रहेगा इनवर्स के लिए, समेशन मैंने लगा दिया, पी कितना है 1 टू इन्फिनिटी है, एफ ऑफ पी सेम रहेगा साइन के लिए, ये क्या हो जाएगा साइन पी पाई एक्स अपॉन एल, क्योंकि जगह हम एल की रखते थे यहां पाई कैंसिल हो जाता था, ये हो गया। सेम ऐसे ही बात करें, ये हमारा हो गया किसके लिए था, साइन के लिए। अब हम बात करते हैं कोसाइन के लिए, कोसाइन के लिए सेम एडिस रहेगा हमारा, ये क्या है हमारा 2 अपॉन पाई था, यहां क्या हो जाएगा 1 अपॉन एल, क्योंकि यहां पाई लिया था, यहां क्या हमारा एल है, ये क्या हो जाएगा फिर एफ सी इक्वल टू जीरो हो गया हमारा 2 अपॉन एल, यहां एल के लिए था ना, या एल होगा, ओके दोस्त एल 2 अपॉन एल हो गया समेशन, ये हो गया पी टू 1 टू इन्फिनिटी एफ सी एंड पी एंड कॉस पी पाई एक्स अपॉन एल, ये हो गया दोस्तों इसका बेसिक। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 2-3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिससे आपको आसानी से समझ में आएगा कि फॉर्मूले हम कैसे यूज करेंगे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।